हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, रिंग लाइट के अंदर है अभी मेरा फोन। अच्छा, लुक कैसा हुआ है कमेंट करके बताओ। मेकअप हो गया, शॉर्ट्स वाली वीडियो कर ली, अब बचा है इंस्टाग्राम के रील। अब एक दो रील ना बनाऊं तो मेकअप किस काम का, सोच रही एक दो रील भी बना लेती हूँ। तो चलो जल्दी से मैं अपनी रील्स शूट कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से वीडियो शूट कर लेती हूँ, रूम की हालत खराब हो चुकी है यार। चलो अच्छा गाइस, जल्दी से सेट वेट कर लो अपना सेटअप, आप भी देख लो। गाइज आप लोग को मेरा सॉन्ग बहुत पसंद आता है, तो आज मैं आप लोग को एक गाना ही गा के सुना देती हूँ। कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो, ठेस ऐसी दिल पे लगे क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, ओ प्यार ना दोबारा हो। हो गया बस, ज्यादा सुरीली बन रही हूँ। अरे गाइज आप लोग तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ही नहीं करते हो, फॉलो तो करो मेरे को। या मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो जल्दी जल्दी से। गाइज मुश्किल से दो रील शूट की, उसमें मेरी हालत खराब हो गई। अरे यार ये तो इतना फैल रहा है, तो उतने में ही मेरा खराब हो गई हालत। अभी मैं जा रही हूँ बिल्कुल मेकअप उतारने, बिकॉज आई एम वेरी वेरी टायर्ड, वेरी वेरी ओके। सो नाउ मैं जल्दी से वापस से सेटअप लगाऊं, तो फिर अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे मैंने अपना कैमरा वैमरा सब सेट कर दिया है। अच्छा, मैं आप लोग से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करो ना कि न्यू बैकग्राउंड की वीडियो डालू क्या। मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करने का सोच रही हूँ, तो मतलब मैं सोच रही थी वीडियो भी डालूंगी साथ साथ में। मैं अपना न्यू बैकग्राउंड सेट करने वाली हूँ, लाइक थोड़ा सा ही चेंजेस होंगे, ज़्यादा नहीं। लाइक मन था मेरा, मैंने कहा बहुत दिन से हो गया बोर, आप लोग भी बोर हो गए होंगे यही देख के, तो मैं चेंज करने वाली हूँ। ऑर्डर हो चुका है, आने वाला है, जब आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपना चूड़ियाँ वगैरह उतार रही थी, और यू कैन सी मेरा मुँह देखो, मतलब मुँह कैसे बना रही थी मैं। बाल वगैरह मैंने ओपन कर लिए और बस आ गई। भाई चिल्ला क्यों रही है, चुप हो जा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाल वगैरह ओपन कर लिए और अच्छे से मैं अभी अपना यहाँ पे स्किन केयर करूँगी। ओके, यहाँ पे स्किन केयर करूँगी। आँखों में से इतने आंसू आ रहे थे ना गाइस, ट्रस्ट मी, इतने आंसू आ रहे थे। पर ये जो गार्नियर का माइसलर वाटर है ना, काफ़ी अच्छा है, मतलब तुरंत मतलब मेरा मेकअप वगैरह रिमूव कर देता है आराम से। तो मैं हमेशा गार्नियर का ही यूज़ करती हूँ, बाकी मेरे पास और भी पड़े हैं, बट मेरे को अच्छा यही लगता है। अच्छे से मैं क्लीन वगैरह कर रही थी अपना फेस, क्योंकि स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर नहीं करोगे तो आपके फेस में पिंपल आएंगे ही आएंगे। सो अच्छे से आप कर लेना रिमूव, अपने हेयर लाइन जो होती है ना वहाँ से भी ज़रूर किया करो, वहाँ पे मेकअप रह जाता है, तो वहाँ से मेकअप रिमूव करना वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और बाल वगैरह मैं अच्छे से जूड़ा बांध लूँगी, बिकॉज अच्छे से कर लिया करो तो जो होता है ना वो क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, तो नींद भी अच्छी आती है मतलब। ओके, यहाँ पे मैंने अपना जूड़ा वगैरह बांध लिया। मम्मा अर्थ का मैं ले रही हूँ ये फेस वॉश, अच्छे से फेस को वेट कर लूँगी। वेट फेस में ही अप्लाई करते हैं फेस वॉश, ये तो सबको पता है, मैं क्या बता रही हूँ। यहाँ पे मेरा ध्यान इधर उधर था कि भाई एसी का रिमोट कहाँ रखा है, ऐसा वैसा, भाई टेंशन तो रहती है। अनरेडी जब होती हूँ ना तो मेरे को पता नहीं कितनी टेंशन्स आ जाती हैं। अच्छे से फिर मैं क्लीन करूँगी जल्दी जल्दी, वीडियो स्पीड में मैंने कर दी ताकि आप लोग भी बोर ना हो। आँखों के नीचे भी अच्छे से और अपनी आई लैशेस में भी करूँगी।
या ऐसे करके ओके। उसके बाद मैंने लिया क्लिंजर, ये है डर्माको का क्लिंजर। उसके बाद मैं ये मिनिसो का ब्रश है ना, इस ये ना काफ़ी अच्छे से डीपली क्लीन कर देता है अंदर जाके बिल्कुल। डर्माको की न्यूली लॉन्च ये क्रीम है, बहुत अच्छी फेस क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, मुझे काफ़ी पसंद आई। इसके सनस्क्रीन भी मुझे काफ़ी पसंद आई, सो उसको मैं डेली अपनी स्किन केयर में इंक्लूड कर रही हूँ अब। मेरे को अच्छा लगता है, मतलब डर्माको के प्रोडक्ट फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं ना, दैट्स वाई मुझे बहुत पसंद है। अभी आप देखना आखिरी में कितना थक गई थी, 11:12 बज गए थे, 12 तो बज ही गए थे मुझे सोते सोते। और डोसा बनाया था, अभी आगे देखना तो सामने वाली आंटी को दिया ये वो, और मैंने भी खाया, मम्मी ने खाया, तो इतना थक गए। मतलब ये डर्माको का है नायासिनेमाइड सीरम, ये तो पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मुझे इतना अच्छा लगता है। और जहाँ जहाँ पे मतलब है ना मुझे प्रॉब्लम्स है फेस में, दाग वगैरह, वहाँ वहाँ पे मैं इसको ज़्यादातर अप्लाई करती हूँ। देखना स्किन कितनी शाइन करती है इसको लगाने के बाद, बिल्कुल ग्लास टाइप की। देखना अभी देखना ये देखो, बिल्कुल मतलब ये देखो कितना मस्त चिकना चिकना फेस हो जाता है। मैं वहाँ वहाँ अप्लाई करती हूँ जहाँ जहाँ मेरे हल्के हल्के दाग है। मामा अर्थ की टिंट लगा रही हूँ, लिप एंड चीक टिंट लॉन्च हुई थी ना, तो उसका पिंक शेड काफ़ी अच्छा और नेचुरल लगता है। उसको मैंने अच्छे से लगा लिया अपने लिप्स में और मेरी स्किन केयर डन हो गई। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना आउटफिट वगैरह था तो उसको मैं जल्दी से मैं लपेट लूँगी, क्योंकि ऐसे फैला फैला अच्छा नहीं लगेगा ना, तो जल्दी जल्दी से लपेट लूँगी। बाय द वे मेरी फ्रेंड का था आउटफिट, कैसा लग रहा था। ओके, अब यहाँ पे मैं डोसा बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि इतनी भूख लग रही थी भाई, मुझे लग रहा था कि मैं सबसे पहले खा लूँ, लेकिन फिर भी वेट करते करते मैं 1 घंटा रुक ही गई। देखो डोसा मेरा जल गया था एक तो ओके, बाहर वाला जो बैटर नहीं होता ये वो वाला बैटर था, हम लोग को आदत नहीं है ना बाहर के बैटर बनाने की। अच्छा, आप लोग का कमेंट आ रहा है कि दीदी आपका घर देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप अपना होम टूर शेयर करो। ज़रूर मैं शेयर करूँगी अपना होम टूर, और लेकिन होम टूर शेयर करने के लिए मुझे पूरा अपना घर सेट करना पड़ेगा भाई। रात सच सच बात बता दे रही हूँ, घर ना मेरा फैल जाता है जब मैं कुछ करती हूँ, तो वीडियो बनाती हूँ, तो मैं एक दिन घर पूरा सफाई करूँगी अच्छे से, उसके बाद आप लोग के लिए मैं होम टूर ज़रूर लेके आऊँगी गाइज। काफ़ी अच्छा मेरा घर है ये तो मुझे भी पता है, मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे डोसा मेरा चिपक गया था, तो क्योंकि मेरी गैस की प्रॉब्लम हो गई, स्लो जलती है गैस, तो यहाँ पे धीरे धीरे मैं डोसा को निकाल ली थी, और मन तो कर रहा था खा जाऊँ, तो पहला डोसा मैंने खा ही लिया। फिर 1 घंटा हो गया था, 1 आवर के बाद मैंने देने वेने के बाद, सबको खिलाने के बाद, फिर आके यहाँ पे मैं बैठी। बड़ा सा कटोरा मैं सांभर का लेके बैठ गई थी, सैलेड में मैंने खीरा लिया था, और इसके बाद या बस यहाँ पे कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा था खाने में यार, देखो ना कंफर्टेबल हो ही नहीं रहा था खाने में। यहाँ पे मैंने टॉप वॉप चेंज कर लिया था, वो टॉप ना थोड़ा सा पानी गिर गया था उसके ऊपर, तो मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे खा रही थी गाइस, इतना टेस्टी लग रहा था ना यार, मतलब मज़ा आ गया। मेरे को सांभर बहुत अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आ गया मुझे खाने में। अच्छा, आप लोग कॉमेंट करो आप लोग को डोसा कैसा लगता है। मतलब मेरे को तो यार जब डोसा इडली समोसे घर में बनाती हूँ ना, तो मैं तो मस्त पूरा दिन खाती हूँ, तभी मैं मोटी हो गई हूँ अब डाइटिंग वाइज। अच्छा, मैं मॉर्निंग से ब्लॉग डालना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ना मैं अब डेली छत में जाने वाली हूँ वॉक करने के लिए, सो मैं ऐसे करती जाऊँगी है ना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं उठ के चली जाऊँगी, बैटरी भी लो हो गई थी और मैं खाने में कंफर्टेबल भी नहीं थी, इसलिए गाइस सॉरी, बट मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया मेरे से जितना हुआ। ओके, मैं खाऊँगी उसके बाद सो जाऊँगी, उसके बाद कुछ नहीं है। सो बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।